हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश्वरी यादव। आज हम बात करेंगे कि हम अपने बेबी को कितना ml दूध पिलाएं। बहुत सारी माओं के मन में ये सवाल होता है कि कहीं हम अपने बच्चों को कम दूध तो नहीं पिला रहे, कहीं उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, उनके मन में भी कई बार ये सवाल बहुत बार आता है कि हमारे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो अपना मिल्क चेक नहीं कर सकती कि भाई वो कितना पिला रही है, और करना भी नहीं चाहिए, निकाल के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो कितना ml दूध पिला रही है। आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप सिंपली ये देख लीजिए कि आपका बच्चा कितनी बार पी कर रहा है। अगर वो 8 से 10 बार के बीच में अगर पी कर रहा है तो आपका बच्चे का पेट भर रहा है, आप सिंपली खुश रहिए। अगर आप बच्चे को बॉटल फीडिंग करती है, चाहे वो फॉर्मूला दे या आप ब्रेस्ट मिल्क दे, तो आप कैसे पता करें? तो डॉक्टर एक सिंपल सा रूल अपनाते हैं। पहली बात तो ये होता है कि आप ये देख लीजिए कि आपका बच्चा जब बॉटल छोड़ दे तो आप समझ जाइए कि उसका पेट भर गया है। अगर बच्चे ने एक बार आपने बॉटल भर के दी, अगर उसने ख़त्म कर दी है तो आप दोबारा दीजिए, अगर उसने दोबारा ख़त्म कर दी है तीसरी बार दीजिए। जब तक बच्चा नहीं छोड़ता बॉटल पीना तब तक आप उसे देते रहिए, तो बच्चा अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही दूध पीता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हर दिन की फीड अलग अलग होती जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन अगर बच्चे ने इतना दूध पिया तो दूसरे दिन भी उतना ही पिएगा। तो बच्चे अलग होते हैं, किसी भी आप किताबी नॉलेज को लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे इतना किताब में लिखा है तो इतना ही बच्चा दूध पिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं, कुछ बच्चे कम दूध पीते हैं। तो ये बिल्कुल आपके बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कितना दूध पीना चाहता है। तो जब आपका बच्चा बॉटल छोड़ दे तब आप समझ जाइए कि उसका पेट भर गया है, और अगली बार उतना ही दूध आप बनाइए जब आपका बच्चा बॉटल छोड़ दे, या उससे थोड़ा सा 10-20 ml दूध ज़्यादा बनाइए, ताकि आपके बच्चे को अगर भूख थोड़ी ज़्यादा हो तो वो थोड़ा ज़्यादा पी ले। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी आप किताबी ज्ञान पे मत जाइए, सिंपली आपके बच्चे की जितनी डिमांड है उतना अपने बच्चे को दूध पिलाइए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अगर उस बुक में लिखा है कि 350 ml पिलाना ही पिलाना है तो आप बच्चे को भूख नहीं हो फिर भी आप पिला रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना। जितने आपके बच्चे को भूख हो उतना आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। बट फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि अगर आप फिर भी टेंशन है कि मुझे एक बार क्वांटिटी जाननी है, तो सबसे सिंपल तरीका जो डॉक्टर बताते हैं कि 150 ml मतलब 150 ml पर डे पर kg। मतलब अगर आपका बच्चा 1 किलो का है तो आपको 150 ml पूरे दिन में दूध पिलाना है। अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो 450 ml पूरे दिन में पिलाना है उसको दूध। आप उसको 450 ml को जितनी भी आप फीड दिन भर में बच्चों को देते हैं उससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितने ml। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।